हमें चाहिए वैयाद और अश्लील लोग. मुझसे ज्यादा अश्लील आज तक कोई पैदा नहीं हुआ. यू आर अ मिस इंडिया, तू ऐसे कैसे बॉप कर रही है? मिस इंडिया मतलब डकार नहीं मारती, ऐसे थोड़ी ना होता है. मैडम काहे झगड़ा कर रही हैं आप? मैं तेरे मुंह पे मुक्का मारूंगी. पारा मैंने अंगद इसलिए लिखा क्योंकि मुझे और कोई नाम नहीं दिखाई देता जब अंगद का नाम होता है. आज शर्म कर, तेरी बेटी देख रही है शो, इतना झूठ बोलेगी. मैं पिछले जन्म में फ्रीडम फाइटर था. मैं पिछले जन्म में बहुत हॉट थी. क्यों तोड़ रहे हमारा प्रॉपर्टी ये लोग दोनों? पता नहीं कहाँ से म्युनिसिपैलिटी फ्री लेके आए हो ये. वेलकम टू बैक बेंचर्स क्लास ऑफ 2019. आज बैक बेंचर्स की पहली एप्लीकेंट है एक टेरिफिक ब्यूटी विद ब्रेन्स जो मिस इंडिया भी रह चुकी है, द यमी मम्मी, अपने सरनेम से सोलर एनर्जी प्रमोट करने वाली नेहा धुपिया. और के साथ है वो जो कभी चैंपियंस के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं तो कभी अपनी बातों से लोगों को एंटरटेन, अपने स्वैग और ह्यूमर से सबको क्लीन बोल्ड करने वाले गौरव कपूर. मास्टर जी नमस्ते. नमस्ते. मैंने इतना अपनी जिंदगी में नहीं सीखा जितना मैं आज आपकी क्लासरूम में सीखूंगा. हाँ वो तो सीखोगे और इतना मजा आएगा ना तुम्हें, क्योंकि जब ऐसे छड़ी लेके मारती हो ना, हाँ क्या मजा आता है. But I like it actually. हाँ. Quite like it. किस तरह की बातें हो रही है आपकी क्लास में, मैं नहीं बैठ सकती यहाँ पे. क्यों? बिल्कुल ये मतलब कि हमें चाहिए वायाद और अश्लील लोग, इसलिए आप दोनों को बुलाया है हमने. ये तो मतलब मुझसे ज्यादा अश्लील आज तक कोई पैदा नहीं हुआ. वो करेक्ट है. मेरी अश्लील को तालियां बजाओ. बैठो. मैं आपके लिए वानखेड़े स्टेडियम से घास लेके आया हूँ. क्या? It's very special grass. Your kids will really like it. It's a part of history. Please, for you. No. I have for to say... Special. Keep this grass. I have to say, you are this multitasking mom who I look up to. मतलब मैं एक बच्चे के साथ इतना थक जाती हूँ, आपके तो तीन तीन बच्चे हैं. ये देखो, यू आर अमेजिंग, यू लुक ब्यूटीफुल. ये जो आपने ये वो कपड़े सुखाने वाली चिटकली यहाँ पे बनाई हुई है, यहाँ पे तो मैं अपने बच्चे के कपड़े टांग के भी सुखा सकती हूँ. टीचर की इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. ये क्या हो रहा है? जाओ अपने अपना सीट लो. कि क्या बच्चे आए हैं यार, कहाँ से जंगली बच्चे आ गए हैं क्लास में यार. मैं ये तोड़ रही हूँ आईपैड. ये क्यों तोड़ रहे हैं हमारा प्रॉपर्टी ये लोग दोनों? आई कैन जस्ट इमेजिन यू ऑल इन स्कूल यार. टीचर पागल हो गई होगी. एटलीस्ट समवन कैन इमेजिन गौरव इन स्कूल, व्हिच इज अ गुड. आई कांट इमेजिन माय सेल्फ इन स्कूल. गौरव तुम क्या स्कूल गए थे? आपने मेरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन तो बताई नहीं, LLMP, लटक लटक के मैट्रिक पास. वाह नेहा है MMMP. No, I'm MCP. मटक मटक के मैट्रिक पास. Excuse me. और मैं हूँ BBMP, भटक भटक के मैट्रिक पास. चलो पहले मुझे बताओ कि तुम लटक लटक के फ्रंट बेंच पे तो ऑब्वियसली नहीं बैठते होंगे. नहीं. ऐसे झूठ मत बोलो. Were you a front bencher? I was a no bencher. मैं क्लास के बाहर ही रहता था. मुझे बेंच पे बैठने का सौभाग्य नहीं मिला, चाहे पीछे के बेंच पे बैठ जाता पर किसी ने अलाउ ही नहीं किया. तो खड़े रहते थे तुम? मेरा स्कूल वेजिटेरियन था पर उसमें मैं मुर्गा बना रहता था. वाह. नेहा आपने तो बहुत स्कूल में मतलब बिकॉज योर डैड वाज इन द नेवी तो बहुत भटक भटक के मैट्रिक पास. मुश्किल से मटक के भटक के बड़ी मुश्किल से पास कर लिया. चलो चलो बहुत हो गई तुम लोग की बकवास, अब एग्जाम शुरू करते हैं. ओह नो. चलो लेट्स बिगिन द फर्स्ट टेस्ट फॉर टुडे, ओरल टेस्ट. क्वेश्चन 1. 1947 में डिक्लेयर की गई इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री लाइन का नाम क्या है? ऑप्शन ए रेडक्लिफ लाइन, ऑप्शन बी वाघा बॉर्डर, ऑप्शन सी जीरो बॉर्डर, ऑप्शन डी इंडो पाक बॉर्डर. आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं. लिखना है यहाँ पे? लिखना नहीं है, प्रेस करना है. पेन से कैसे आईपैड पे लिखेगा तू? नहीं, पेन साइड में पकड़ा. ये कॉपी कर रही है तेरा पूरा? नहीं, मैंने बोला एक ही उंगली करनी है. क्यों तू क्या टिकटॉक तो खेल रहा है? टाइपिंग कंफ्यूज कर रहा था ना. क्या किया तूने? आपने इनका आंसर क्यों कॉपी? मैंने कॉपी नहीं किया, मुझे मालूम था. मैंने देखा मुझे मालूम था ये. आई वाज जस्ट
I was just reconfirming. शर्म कर, तेरी बेटी देख रही है शो, इतना झूठ बोलेगी. सही आंसर कॉपी किया. आप दोनों को मिलते हैं 10 मार्क्स. रेडक्लिफ दे दे. नेहा, कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स किए हैं किए और फिर ब्यूटी क्वीन और फिर सिल्वर स्क्रीन. तो सिल्वर या हिस्ट्री ऑनर्स के बाद क्या सोचा कि फिल्मों में आना भी इजी है? नहीं, फिल्मों में आना मतलब इतना मुश्किल है फारा, यू नो यार. मुझसे पूछो फेल्ड एक्टर, मैं बताऊंगा आपको कितना मुश्किल है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं सुनेंगे. इसका तो शत प्रतिशत रेशियो है. जितनी फिल्में की हैं सब हिट हुई हैं. जितनी फिल्में करी सब फ्लॉप हुई है. उनमें से दो तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं देखी. कौन सी फिल्में की है पता नहीं, मैं खुद नाम भूल गया हूँ, बताने नहीं चाहिए. चलो तो फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. रामायण में इनमें से कौन बाली के पुत्र थे? ऑप्शन ए विभीषणा, ऑप्शन बी भरत, ऑप्शन सी अंगद, ऑप्शन डी राम. आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब. कौन थे? देखो बाली सिंगापुर के पास है और अंगद नेहा के पास है. अंगद नेहा के पास है. दो अलग अलग आंसर्स हैं. अलग अलग. व्हाट डिड यू राइट? नेहा ने लिखा है अंगद क्योंकि ऑब्वियसली उसके हस्बैंड है. प्यार में किस मार ले आया? फारा, मैंने अंगद इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे और कोई नाम नहीं दिखाई देता जब अंगद का नाम होता है आगे. पर वैसे भी मुझे लाइफ में भी कोई और. आप कितनी पतिव्रता हो. एक्सक्यूज मी मैडम, शी इज ट्राइंग टू स्कोर संस्कारी पॉइंट्स. आपका आंसर गलत है. आपने विभीषण रखा है. ओह नो, ऐसा क्यों लिखा? मैं अंगद लिखना चाह रहा था. तेरी उंगली बड़ी हिल रही है आजकल. व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज अंगद. आपको मिलते हैं 10 देहा. क्या है अंगद की इरिटेटिंग हैबिट मुझे बताओ एक. आफ्टर गेटिंग रेडी फॉर अ पार्टी ही से मुझे नहीं जाना. That is one. Secondly, he sits next to me and he DMs me on Instagram. Like when I'm talking to him, I'm like, Angad, do you want to have dinner? So Insta pe wo DM karke mujhe jawab deta hai, saying yes or no, which is very irritating. Chota bachcha apni writing practice kar raha hai na. Haan, typing. And every time he's like, okay, I'm going to be back home in 45 minutes, usko 3 ghante lagte hai. So I don't know which gym he's going to where he spends 3 hours. You better be careful. Yeah. He's obviously going to... But GK gym. Kaisa workout kar raha hai. वैसे किरत को क्या इरिटेटिंग लगता है तुम्हारे बारे में? मेरे बारे में? हर चीज. ओके, शॉर्ट एंड स्वीट. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. छोटे बुशी प्लांट्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस नहीं चाहिए. ऑप्शन देने पड़ेंगे मुझे लेकिन. ऑप्शन ए एल्गे. बुश कैसरी एंड द सेंडेंस के. ऑप्शन बी क्लाइमर. ऑप्शन सी मॉस. ऑप्शन डी श्रब्स. आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब. नहीं चाहिए. वाह, एक सेकंड में जवाब दिया यार दोनों ने. आप दोनों का आंसर सही है. आप दोनों को मिलते हैं 10 मार्क्स. वैसे आई मस्ट टेल यू, नेहा की बड़ी क्यूट डॉटर है, वो अभी 1 साल की हुई है. तो हाउ हैज मदरहुड बीन? इट्स बीन अमेजिंग. और मतलब बहुत बेइज्जती होगी यहाँ पे आके मैंने अगर कुछ अनशन जवाब दे दिए तो वो बोलेगी कि तुम क्या बात कर रहे हो. बिकॉज आई एम श्योर इन अ फ्यू इयर्स द फर्स्ट थिंग शी एवर वॉचेस ऑन टीवी आई विल मेक श्योर कि वो बैक बेंचर्स ही देखे. हाँ, क्योंकि वो एजुकेशनल भी है ये शो. yeah. और उसको डबल मीनिंग समझ में भी नहीं आएंगे. नहीं आएगा. और उसमें दोनों ममा और मामा दोनों साथ हैं. यस. क्वेश्चन 4 आपके लिए गौरव. इंडिया का पहला ओडीआई क्रिकेट कैप्टन कौन था? ऑप्शन ए अजीत वाडेकर. ऑप्शन बी बिशन सिंह बेदी. ऑप्शन सी नवाब पतौड़ी. ऑप्शन डी वीनू मंकड़. आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब. यू नो आई एक्चुअली डोंट नो. It's not Bishan Singh Bedi. Got it wrong. दोनों ने अलग अलग आंसर दिए. नेहा ने कहा है वीनू मंकड़. Oh, I was going to stick this name. इन दोनों में से एक सही आंसर है. Has to be Gaurav. ये तो my बाप है क्रिकेट का. तो मुझे कैसे पता? पहला जब ओडिया हुआ था तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था. वो तो ठीक है, तो कई चीजों को पाकिस्तान वाली टाइम में भी तो तू पैदा नहीं हुआ था, पर तूने फिर भी बोल दिया ना. मैं पैदा था तब. 47. पिछले जन्म में. आपको पता है पिछला जन्म? हाँ, आप एक्सपर्ट है पिछले जन्म में. मैं पिछले जन्म में फ्रीडम फाइटर था. मैं पिछले जन्म में बहुत हॉट थी और इस जन्म में बहुत बहुत हॉट है. आपको मिलते हैं 10 मार्क्स. गौरव, क्रिकेट से बचपन से शौक था? बचपन से शौक था क्रिकेट का, वही करता था मैं. स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई तो करता नहीं था. या तो मैं सारी 80s की फिल्में देखता था या तो मैं क्रिकेट देखता था. तो दोनों में आ गए देखो तुम, फिल्म और क्रिकेट दोनों में आ गया. पर 80s की फिल्मों में अगर मैं होता ना तो जला के रख देता मैं.
हाँ ऐसे चंकी पांडे को मतलब स्ट्रिक्ट कंपटीशन। बिल्कुल, और अपना नाम भी मैं रखता मंकी पांडे। यार वैसे आपके आपकी पूरी फैमिली मतलब हस्बैंड की पूरी फैमिली क्रिकेट में है यार। That's what. इनके ससुर जी है बिशन सिंह बेदी, इंडिया इंडियन क्रिकेट टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपके हस्बैंड भी अंडर 19 लेवल पर क्रिकेट खेल चुके हैं। पर जब अंगद अंडर 19 था दैट टाइम आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन। अभी भी अंडर 19 ही है वो। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लेट्स डू दिस। ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली इंडियन महिला कौन थी? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी कर्णम मलेश्वरी, ऑप्शन सी साक्षी मलिक, ऑप्शन डी कुंजरानी देवी। आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। नो, ओके, द राइट आंसर इज कर्णम मलेश्वरी। तुम्हें क्या यहाँ को मिलते हैं 10 मार्क्स। रुक जा भाई, अभी तो आंसर दे रही हूं मैं। कर्णम मलेश्वरी की तरह हम भी मैडम का नाम रोशन करना चाहते हैं। मैडम आपके बहुत बड़े फैन हैं हम। ओह रियली? और सर गौरव सर जी आपके नाम का मचा हुआ है हल्ला। कैसा चल रहा है बैट और बल्ला? बैट और बल्ला तो एक ही चीज है भाई। हाँ सर, तो दोनों एक ही चीज, लेकिन बैट और बल्ला हिंदी भी इंग्लिश भी। वेरी गुड, व्हाट अ ऑलराउंडर, यू आर ऑलराउंडर। मैडम हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, देखिए हम ऑडिशन देना चाहते हैं, आपके गैंग में शामिल होना चाहते हैं, हैशटैग गैंग वार। सबसे पहले तो बहुत सारी ताकत दिखानी होगी आपको जी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप अगर बर्पीज कर देंगे तो मतलब मजा आ जाएगा। मैं आपको अपने गैंग में व्हाट इज बर्पीज, इट इज बर्पी। आज छेड़ा आपने, और सुनाइए प्लीज। आप चले जाइए यहाँ से, क्या ब्लैक बोर्ड लेके आ। ठीक है मैडम, ठीक है, जाते जाइए यहाँ से। गौरव आपको 5 पॉइंट्स चाहिए। नहीं 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 नहीं, तो मैं बैक बेंचर लगा, अच्छा वाला सेक्सी डांस कर, मैं तेरे को 5 पॉइंट्स देती हूं। लो आए बैक बेंचर है ये ढीट तो बड़े बैक बेंचर, छुपा के ये पड़े बैक बेंचर, सवाल से गिरे बैक बेंचर। लगने वाली क्लास यहां बड़े बड़े सितारों की, लगने वाली क्लास यहां 5 5। चलो इतने में ही गुजारा चल जाएगा। मां कसम, जू बीच में लास्ट मैंने घोड़ा चलाया था और उसके बाद आज राइडिंग की याद आ गई। 5 पॉइंट्स गौरव के। तो टोटल स्कोर्स ऑफ राउंड 1 आ नेहा 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 और गौरव को ग्रेस मार्क्स के साथ मिलते हैं 35 मार्क्स आउट ऑफ 50। तो अब टाइम है हमारे सेकंड टेस्ट का, जो है रिटन टेस्ट। Hi, how are you? Madam, burpees. करना है। आपका बर्पी मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी ट्राई करना है। थैंक यू मैडम। 1 2 3। 1 2 3। मैडम सुरीला करना पड़ेगा। 1 2 3। बट यू आर अ मिस इंडिया, तो ऐसे कैसे बर्प कर रही है? बट मिस इंडिया मतलब डकार नहीं मारती, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपने बोला नॉनसेंस शो है, थोड़ी ना मार दिया डकार। थोड़ा थोड़ा स्टाइल वाला मार ना। ओके, स्टाइल वाला ऐसे आके क्वेश्चन 1। आपके बोर्ड पर दिए गए हैं कुछ नाम जिनके सामने आपको उनका ऑपोजिट सेक्स लिखना है। आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। ये क्या है? ऑपोजिट क्या? मैं लिखता हूँ। आप ऑपोजिट सेक्स लिखना है, अगर ये स्त्रीलिंग है तो आपको पुल्लिंग लिखना है, अगर ये पुल्लिंग है तो आपको स्त्रीलिंग लिखना है। हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में? जैसे भी आपको चाहिए लिखो। यू कैन राइट फनी वंस आल्सो, आई विल गिव यू पॉइंट्स। वाह, तो कुछ नया ही बनेगा मैडम। लेट देम राइट। रेडी? वाह, आप गौरव पढ़ेंगे। सबसे पहले गौरव। सबसे पहले विद्वान का सही आंसर है। मैं बताता हूँ, विद्वानी। मैंने भी वही लिखा है, विद्वानी। आप पहले डॉक्टर थी क्या? ऐसी राइटिंग कैसे होती है? कंपाउंडर थी, कंपाउंडर। आप बोलो राइट वन। मैडम विदुषी। रॉन्ग, क्रॉस करो उसको। अब मैं बताता हूँ आपको, चील का स्त्रीलिंग चीला, खाने वाला। No! चीला, चील का ऑपोजिट चीला। चील का ऑपोजिट इज चिली। चिली। अगर चील पुलिंग है तो हॉट चिली स्त्रीलिंग है। द राइट इज नर चील। Whatever, but chili. Dono ka wrong, wrong. Oh my God! Oh my God! Boring chili. Answer. Yeah, what a boring answer. Chili, yay!
अब मैं आपको बताता हूँ ऊंट का ऑपोजिट ऊटी. मैंने भी ऊटी लिखा है. ग्रेट माइंड्स बारी. ग्रेट माइंड्स. ऊटी के लिए मैं आप दोनों को दो पॉइंट दे रहा हूँ. राइट आंसर है ऊटनी. ऊटनी बलवान का ममता के क्योंकि बलवान में थे सनी देओल और सनी देओल का ऑपोजिट ममता कुलकर्णी. सनी देओल जैसा कोई बलवान बना ही नहीं है. मैं आपको दिखाता हूँ. पापा 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 इस गंदी एक्टिंग के लिए दो मार्क्स. अच्छा ये वाली दो मार्क्स ले ले. अभी कट जाएगा मार्क्स कट जाएगा. डांस किया डांस में इसको कैसे मिल गए. बलवान का क्या लिखा. ज्यादा बलवान क्योंकि हम ज्यादा बलवान हैं. दो मार्क्स ले लो. ये ओ मेरे मुंह पे चौक मारो. ऐसे बलवान का होता है बलवती. बलवती पर हम ज्यादा बलवान हैं. हाँ ट्रू ट्रू. कवि का क्या किया है तुम लोग ने. मेरा भी तो सुनो. कवि का ऑपोजिट क्या हुआ. कवित्री. वेरी बोरिंग आंसर. कवित्री कवा मैं आपको नहीं दे सकती. आपने क्या लिखा है. कवि का कवि. मैंने कवि का कवि इसलिए लिखा. जेंडर न्यूट्रल. इट्स जेंडर न्यूट्रल. पोएट्री इन एनी लैंग्वेज और अ पोएट इन एनी लैंग्वेज. नो इट्स अ पोएट एंड अ पोएट्रेस. पोएट इन एनी लैंग्वेज इज वंडरफुल. इज वंडरफुल. मूर्ख. मूर्ख का ऑपोजिट इज गौरव. मूर्ख का ऑपोजिट इज गौरव. मूर्ख का ऑपोजिट इज गौरव. मेरा भी मेरे दो पहले तो तुमको सेक्सेस ऑपोजिट लिखने थे. आई थिंक मूर्ख का ऑपोजिट होता है समझदार. क्योंकि नहीं नहीं मूर्ख का ऑपोजिट होता है समझदार. अगर मर्द मूर्ख होता है तो औरत समझदार होती है. बिल्कुल सही बोला आपने. हाँ मूर्ख का है मूर्खा. जो लेडीज होती हैं उनको बोलते हैं मूर्खा. बट लेडीज समझदार होती हैं और मर्द मूर्ख होते हैं सर. ये आप दोनों बहुत मूर्ख हो. अंडा लो इसके लिए. भूख लग रही है. डिब्बा का क्या लिखा है. डिब्बी. डिब्बी नहीं नहीं डिब्बिया. आपको मिलते हैं चार पॉइंट्स. आपको मिलते हैं चार पॉइंट्स. लेट्स गो. इन रोमन नंबर्स के सामने आपको उनके सही न्यूमेरिक्स लिखने हैं. ओके समझे. एग्जांपल जैसे वी रोमन में होता है 5. 45 सेकंड शुरू होते हैं. अपना अपना बोर्ड चेंज करो. ओके हैं क्या बात है गौरव. एल क्या. एल क्या. एल फॉर लंदन. पता नहीं. एल फॉर लंदन. एल फॉर लंदन. पूरा घर तोड़ दिया. तोड़ दिया. हमारा बजट का क्या होगा. एक ही बोर्ड था हमारे पास. मेरे पास है आंसर इसके. मैं खड़ो तिवारी जी आ जाओ. हाँ सर हो जाओ जी आंसर लेके. चल चल टिक मार्क करो. मैं तेरे तिवारी वाला. करेक्ट 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 करेक्ट. क्या बात है. 10 on 10. देखो ये बता तू कभी रोम गया था. मैं सिर्फ रोम नहीं मैं इंटरनेशनल रोमिंग. वाह आपने खत्म नहीं किया इसलिए आपको 5 मार्क्स मैं दे रही हूँ. अगर आर्ग्यू किया तो अंडा. 1 2 3 4 5 सही. दो आपने तो काट दे. कट. 5 मार्क्स मिल रहे हैं. मैडम कहाँ है झगड़ा कर रही हैं आप. मैं तेरे मुंह पे मुक्का मार दूंगी. अहिंसा के लिए -5. नहीं अभी तू ज्यादा मत चढ़ तेरे में. सॉरी फिर ठीक है. अभी क्वेश्चन नंबर 3. मैं बोलूंगी कुछ मैथमेटिकल साइंस के नाम. What? और आपको उनके सिंबल्स अपने बोर्ड पर बनाने हैं. ये तो इंजीनियर है. मैं इंजीनियर कहाँ का हूँ. इंजन तक नहीं चलाया मैंने कभी. इंजीनियर इंजन नहीं चलाता है वैसे. तो ये भी नहीं पता मुझे तो. निकल जाती हूँ. खत्म हो गया होगा तो बता. आप दोनों को इसमें अंडा मिलने वाला है. अंडा यकीन के साथ कह सकती हूँ. नंबर 1 इज थीटा. 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 थीटा का सिंबल क्या है. नंबर 2 पाई. लाइफ ऑफ पाई. पाई. नंबर 3 सम ऑफ. पता है मेरे को ये. इन्फिनिटी. सिंबल ऑफ इन्फिनिटी. ये काफी क्लेवर है दोनों. पेपर तो नहीं लीक कर दिया तूने. नहीं मैडम. ओमेगा. ओमेगा घड़ी. गामा. इंटेग्रल. इंटेग्रल. और लास्ट इज congruent to. गामा का क्या है. गामा इंटेग्रल. एक और बनाओ. और यस इज congruent to. एक और बनाओ. इंटेग्रल. एक और बनाओ. हाँ बनाते रहिए. अभी मैं ऑक्शन करूंगी तेरी पेंटिंग. थीटा
गौरव ने बनाया, नेहा का बिल्कुल करेक्ट है थीटा। वाह, ये कहां से हो गया पाए, क्या बनाया? पाए रॉन्ग है उसका, पाए रॉन्ग है, ठीक है ठीक है ठीक है। जल्दी जल्दी में ऐसा लिखते हैं पाए, ठीक है। सम ऑफ करेक्ट, वेल डन। या हाउ यू नो ऑल दिस? इंफिनिटी भी करेक्ट है। वाह, ओमेगा, ये तूने ओमेगा में ये क्यों बनाई घड़ी, ओमेगा की घड़ी? बेस्ट वॉचेस मैडम, बेस्ट वॉच ओमेगा का वो है, देखो ये है मैडम। ओहो, गामा का है ये, क्या है ये? नाम है हमारा विशाल, ये है गामा। इंटीग्रल, इंटीग्रल ढूंढ लो, इसी के अंदर है कहीं। दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ अंगद एंड मेहर, इसके लिए तो माइनस पॉइंट्स नहीं मिलते। चल चल, इमोशन पे है तुझे, मां पॉइंट मैथमेटिक्स में इमोशन की कोई जगह नहीं मैडम। मैं मां हूं, मुझे समझ में आता है। मैं भी एक मां हूं। तू कहां से मां हो गया? मां हूं, पता नहीं पॉइंट्स के लिए बनने के लिए तैयार हूं। नेहा को मिलते हैं, मैं देती हूं 10 पॉइंट्स और तेरे को मैं 5 पॉइंट दे देती हूं। नहीं नहीं, पेंटिंग माइंड ब्लोइंग है। अब मैं आपको कुछ इंग्लिश वर्ड दूंगी और आपको अपने अपने बोर्ड पर उनके हिंदी नाम लिखने हैं हिंदी में। ओके ओके, तो पहला वर्ड है डक, सेकंड इज टेलीफोन, हिंदी में क्या है? हिंदी में फिर है प्लम, एक मिनट, फिर है प्लम, प्लम द फ्रूट, प्लम, प्लम क्या होता है हिंदी में? प्लम। फिर है ट्रेन, कम ऑन कम ऑन, बड़ा फेमस गाना है इसका, गोर आई हैवंट रिटन इन हिंदी सो। फिर है कैलेंडर, खाना दो कैलेंडर। हाँ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सतीश कौशिक। लिखो लिखो, और लास्ट है ऑटम, ऑटम वो विंटर होता है, ये विंटर होता है, एक ही पता मेरे को ऑटम ना, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो डक को हिंदी में कहते हैं बतख। सही है, सही है, इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। टेलीफोन को आपने क्या लिखा? दूरभाष, दूरभाष, दूरभाष। आपने क्या लिखा? दूर दूर तक बकवास। सही वर्ड है दूर ध्वनि यंत्र, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देती हूँ। थैंक यू थैंक यू, ये मुझे बहुत आदत है दूर दूर तक बकवास करने की गौरव के साथ। प्लम को क्या लिखा आपने? आलू बुखारा। प्लम क्या? पलम। पूरा नहीं लिखा मैंने, इसका पूरा मुझे लिखना था पल्लम पिचकारी। आपको मैं 2 मार्क्स देती हूँ, क्योंकि जब दिल्ली की लेडीज जाती है फ्रूट खरीदने तो ऐसे ही बोलती है ना, भैया 1 किलो पल्लम देना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, भैया भैया पल्लम दो दो। पल्लम सही वर्ड है आलू बुखारा। ट्रेन को आपने क्या लिखा है? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। अरे बेटा रेलगाड़ी, ठीक है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी छुक 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 रेलगाड़ी। आपको करेक्ट पॉइंट मिलते हैं। आपने क्या लिखा है? चुक चुक गाड़ी। ये मेहर को नहीं पूछना, पर मेरे को तो आदत है ना मेहर से बात करने की, क्या चुक 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 गाड़ी, गाड़ी। करेक्ट आंसर रेलगाड़ी, लेकिन आप मेहर की बात ला रही है तो मैं आपको चुक चुक जहाँ जहाँ मुझे जवाब नहीं आता मैं मेहर का नाम डाल देती हूँ। कैलेंडर को आप क्या कहते हैं? सतीश। कौन सतीश? कौशिक। मैं आपको बता दूं कितना पॉपुलर है, जब मैं बोलूंगा कैलेंडर तो ये सब क्या चिल्लाएंगे, कैलेंडर कैलेंडर, ये गधे सतीश कौशिक चिल्ला रहे हैं। सही आंसर है पंचांग, पंचांग याद कर लो। आपको इनोवेशन के लिए दो करेक्ट पॉइंट्स देती हूं। और मेरा सिस्टर इंडिया का किरदार है चुक चुक गाड़ी देना। अच्छा, कंट्रोल सिस्टर कंट्रोल। ऑटम को आपने लिखा है पतझड़, जो बिल्कुल सही है। ऑसम, ऑसम ऑटम, ऑसम कैसे हो गया? ऑटम इज ऑसम। 0 ले उसके लिए, 10 मिले हैं देखो, और 1 इसको 20 मिल गए, 4 8 मिले हैं आपको। इसको 20। अब मैं कोई आर्गुमेंट नहीं करूंगी। क्वेश्चन नंबर 5। ये सिडक्शन करने लगता है, हर 2-2 पॉइंट के लिए सिडक्शन कर लेता है। अभी नहीं अभी नहीं, अरे बेटा 2 पॉइंट तो दे दो। ये प्रैक्टिकल टेस्ट है, डेमोंस्ट्रेशन दो। गोल। लेकिन मैडम शर्त यह है इसके साथ टच नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। चलो, चलो।
जाओगी नो बड़े लाली जी ने अबे ये बाहर है तो बाहर है चल अरे ऐसे ना कर यार चार पांच छह सात आठ नौ गौरव के नो बॉल्स नो बॉल्स और नेहा के हैं दस है इसके मेरे दो दस है चार पांच छह सात आठ नौ दस नेहा को मिलते हैं दस मार्क्स गौरव को मिलते हैं पांच मार्क्स जस्ट बिकॉज यू क्यूट Oh, thank you. तो राउंड दो में आप दोनों के मार्क्स हैं नेहा 39 मार्क्स आउट ऑफ 50 और गौरव 32 मार्क्स आउट ऑफ 50 यानी दो राउंड्स के बाद आपके टोटल स्कोर्स हैं नेहा 79 मार्क्स और गौरव 67 मार्क्स कैच अप बकअप I'll catch up now. अब हमारे प्रेस्टिजियस क्लास ऑफ 2019 में घुसने का एक फाइनल स्पीड टेस्ट बचता है चलो लगाओ स्पीड टेस्ट हमारे आखिरी राउंड का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन लेमन में कौन सा एसिड पाया बोलो सिट्रिक हाँ सिट्रिक एसिड ठीक है दस मार्क्स मिलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर टू अब देखो घंटा ही नहीं बजने वाला है रुको नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी महिला कौन थी एक मिनट एक साथ घंटी बजा okay, one, two, three. We both get the दो बेल प्राइज yes, high five. आंसर मालूम है? मुझे मालूम है माइनस नहीं दोगे तो गैस करूंगा माइनस तो मिल चुका है अभी गैस भी नहीं करोगे तो दोनों को माइनस मिलेगा नोबेल प्राइज फॉर सरोजनी नायडू माइनस फाइव मदर टेरेसा आपको मैं पॉइंट्स नहीं दे सकती हूँ क्योंकि उसने पहले आंसर दिया है और आपने घंटी बजाई है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा आपके माइनस फाइव होता है ये कुछ तो मिला आप मुझे जब नेगेटिविटी भी देती हैं मैं उसको भी प्यार से एक्सेप्ट करता हूँ बातें ना यही तो प्रॉब्लम है बातें करवा लो इससे बस दिल दरिया क्वेश्चन नंबर थ्री 2001 में रिलीज हुई एक फिल्म में शाहरुख खान ने कौन से मौर्यन एम्परर शाहरुख खान की सबसे बड़ी फैन यार अशोका आपको मिलते हैं 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 4 सबसे हल्की यानी लाइटेस्ट गैस कौन सी है मैं दो गैस कर सकता हूं नहीं एक ही हीलियम आपको मिलता है माइनस फाइव ये गलत जवाब है इट इज हाइड्रोजन द राइट आंसर इज आर्गन आपको कुछ नहीं मिलता है लेकिन क्यों आपको ये एक्साइटमेंट मिलती है कि आपने राइट आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 5 साइंस ऑफ एंटोमोलॉजी में हम किस बारे में पढ़ते हैं आई थिंक इट्स अबाउट एंटरटेनमेंट आई थिंक आई एम अलाउड टू टेक द रिस्क फॉर माइनस 5 एंटोमोलॉजी फिर से तो माइनस मतलब माइनस जीरो लिवर क्यों गया दारू पीने से लिवर खराब होता है अब उन पिता ने बस दोस्त के शादी चार बाटली पी गया ए तुमको कैसे मालूम पप्पी पप्पी आपको मिलता है माइनस फाइव इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स ओ तेरी पढ़ाई करने के लिए हमको मिलने वाले थे 10 नंबर द स्टमक स्पेसिफिकली द स्टमक ऑफ इंसेक्ट्स इतना बेशरम स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखा है जो माइनस फाइव ले लेकर भी अपनी बकवासियां चालू रख रहा है राउंड थ्री में आप दोनों के मार्क्स हैं नेहा 20 मार्क्स आउट ऑफ 50 गौरव माइनस 15 आज तक हमारे एपिसोड में नहीं हुआ है मैं आया ही हूँ रिकॉर्ड तोड़ने के करेक्ट और रिकॉर्ड टूट चुका है और ये रिकॉर्ड इसके बाद कभी टूट भी नहीं पाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तालियां बजाओ बच्चा पार्टी
आपके तीन राउंड के बाद टोटल ओवरऑल मार्क्स है नेहा 99 मार्क्स, एक मार्क्स से 100 है, गौरव 52 मार्क्स, पास तो हुआ। इसका मतलब है विनर है नेहा धूपिया। निवारी रिपोर्ट कार्ड लाओ। आप दोनों को रिपोर्ट कार्ड मिलेंगे। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन नेहा, योर डॉटर विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मामू, थैंक यू फॉर लेटिंग दिस हैपन। थैंक्स फारा। आपका रिपोर्ट कार्ड मैं पढ़ लेती हूँ। मोस्ट टॉकेटिव बैक बेंचर, दैट इज ट्रू। बुलिंग अदर स्टूडेंट्स, किसको बुली किया है? मस्ट स्टे अवे फ्रॉम गौरव, गेट रिपोर्ट कार्ड साइन बाय मेहर एंड कॉल अंगद फॉर पीटीएम। आप इधर आइए, आपका रिपोर्ट कार्ड। Stop seducing the dean. And he cannot stop. Don't stop. Thank God you are not an actor. Dancer. Actor to ye hai. Nahi nahi, na actor hoon na dancer hoon. Talks a lot in class. Must stay away from Neha. Oh. I can't stay away from her. Time hai for a Jioni super selfie. Congratulations, Neha. You are the backbencher of the class of 2019. आप दोनों ने बहुत सारे फंक्शंस में डांस किया होगा, लेकिन आज मैं आपको नचाऊंगी मेरे स्टेप्स पे ऑन आवर टाइटल ट्रैक जो टिकटॉक पे आएगा। ओके। लो आए बैकबेंचर्स, हैं ये ढीठ तो बड़े बैकबेंचर्स, मुझे भाग गए ये पड़े बैकबेंचर्स, सवाल से गिरे बैकबेंचर्स। कौन सी वाली मिस्सी रोटी खाएंगे? पता नहीं कहाँ से म्युनिसिपैलिटी फूल से लेके आए हो ये। जल्दी करो, जू 10 बजे बंद होने वाला है, इसके पहले जाना है मुझे। तो अब समय है बैक बेंचर्स की क्लास में ब्रेक का। फिर मिलते हैं एक नॉलेज और फन से भरे नए एपिसोड में नए सिलेब्स के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए। गुड लक, गुड बाय।